अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ, क्या बना रहा हूँ? हाँ, दाल और अंडे की एक अनोखी रेसिपी। एक्चुअली आयशा ने बोली मुझे ना बहुत फील कर रहा है, पता नहीं कहाँ से सर्च मारी, तो मतलब सब छोड़ अपन बनेंगे अपने स्टाइल में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो से ज्यादा शेयर करो और ये रेसिपी घर पर ट्राई करना और बताना कैसा बना है। बनाते चलो। हमने मसूर की लिया, यहाँ पे एक कटोरी मसूर की दाल ले लिया हो। यहाँ पे मैंने 6 मैदा ले लिया, उसे फोड़ के रख दिया हो, 2 मीडियम साइज। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिर्ची लिया, अपने हिसाब से ले सकते हो कम ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया, थोड़े से धनिया थे घर में बचे, तो मतलब चलो सब फेंक के मारते। तो अभी हम अंडे से स्टार्ट करेंगे। तो अंडे में थोड़ा नमक ऐड कर देंगे पहले, घर पे पिसा हुआ जीरा है, थोड़ा हम लोग जीरा भी ऐड कर लेंगे। फिर अपने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, सब लोग फेंट लेंगे। तो अंडा हमारा अच्छे से फेंट लिया हमने, अभी इसे भुर्जी की तरह फ्राई करते हैं, अंडे की वैसा फ्राई करना है। तो गर्म हो चुका है, अभी इसमें डाल देंगे फेटा हुआ अंडा और इसकी बना लेंगे हम लोग भुर्जी। तो ये देखो भुर्जी बनना स्टार्ट हो गया, अभी इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। तो गाइस भुर्जी हमारी रेडी हो गई है, अभी इसे निकाल लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। हमारी भुर्जी इसे तो देख के ऐसा लग रहा है इसी खा लूं चम्मच से टपाटप। अभी आगे बनाते इसका ग्रेवी। इस घर पे आप लोग ये जरूर ट्राई करना, खास करके तो रमजान महीने में माशाल्लाह हेल्दी और हल्का फुल्का खाना बहुत जरूरी होता है। तो ये रेसिपी है ना, आप लोग घर पे ट्राई करो, सहरी में रोटी के साथ चावल के साथ खाओ, बहुत मजा आएगा। और ट्राई करने का बताना जरूर कमेंट में कैसा बना रहा। हमारा गर्म हो गया फिर से, अभी इसमें डालेंगे पूरे कांदे। देखो चटचट चटचट करके जैसे कांदा हल्का गुलाबी हो जाएगा ना, ऐसा देखो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर मिर्ची और धनिया। ये धनिया को कैसे बोल सकते रहे बाबा? कांदा लाल होता है तब तो क्या करते हैं हम लोग, दाल को अच्छे से धो लेते। दाल को हम लोग धो लेते अच्छे से, इसे 2 से 3 बार धोना बहुत जरूरी है, बहुत गंदगी निकलती है इसके अंदर से। मैं बता रहा हूँ अच्छे से माप माप के सर जितना गुस्सा आता ना, पूरा काम करता पूरा इसमें निकाल लेता हूँ। ये देखो कलर चेंज हो जाएगा, नल बंद कर दो, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते। तो ये इससे अच्छे से लगड़ने का, इसे 1 से 2 बार धोएंगे ना तो पूरा निकल जाएगा इसके अंदर। तो ये देखो पानी एकदम वाइट हो गया, ये रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे ले लिया अदरक लहसुन का एक पेस्ट, 2 पेस्ट लाए हुए, 5-5 वाला पैकेट। भाई क्या ही बताओ, अदरक लहसुन इतना महंगा हो गया ना, क्या लेंगे। तो चलो अभी इससे करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी भी है कंपनी, हम लोग ज़्यादा ये यूज़ करें फिलहाल। हमारा कांदा भी अच्छा सा गुलाबी हो रहा है, तो ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है, जलाना नहीं है, नहीं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो स्लो कर देते थोड़ा सा आँच। तो गाइस हमारा कांदा लाल हो गया, अभी इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 मिनट तक, ऐसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर और ये धनिया, अभी डाल दिए अच्छे से, अच्छे से अच्छे थोड़ा सा कम भून लेते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे ये मिर्ची जो मैंने कट के डाला हूँ, यार एक्चुअली काट के इसके लिए डाला हूँ, सब मिर्चियों में आजकल जान ही नहीं, सब नकली चीज़ें आ रही है, पता है नहीं। तो मैंने गैस को फास्ट कर दिया। टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा हम लोग नमक डाल देंगे ऊपर से, थोड़ा से इसे भुनने देंगे। इसे भून के होने के बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे मालवनी मसाला, तो ये मेरा स्पेशल मसाला कोली मसाला, तो ये मैं हर खाने के मतलब नॉनवेज में ऐड करता ही हूँ। मसाले को अच्छे से भुनने देते, इसे ढक के 2 मिनट तक इसे भुनने देते। तो गाइस फाइनली हमारा मसाला तो भुन गया है, ये देखो मसाला हमारा भुन गया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे दाल जो हमने धो के रखा है, पहले दाल यूज़ कर लेते। ये है दाल, ये दाल हमारा अच्छे से इसके साथ हम मिक्स करते हैं और इसे ढक के थोड़ा देर से भुनने देते। भुनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसे ढक देते उसके तेल सूखने तक। तो ये रहा हमारा दाल, सूख गया है और साइड से जल रहा था, अभी इसमें फटाफट पानी ऐड कर देते नहीं तो फिर जल जाएगा पूरा। तो जितना पानी के बाद में उसका ले सकते हैं लोग, तो जैसा जमता है, मैं यहाँ पे तो 2 गिलास पानी ऐड कर रहा हूँ और 1/2 गिलास ताकि ये सूख जाएगा ना, तो फिर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसे ढक के पका लेता हूँ जब तक दाल गल जाता है। गाइस 15 से 20 मिनट हो गए इसे बॉईल करते हुए, तो आँच को स्लो करके थोड़ा ढक्कन करके चेक कर लेंगे कि दाल गला है या नहीं गला है। तो देखो माशाल्लाह उबल तो अच्छे से रहा है,
मोस्टली हमारा दाल गल चुका है, ये देखो दाल तो हमारा अच्छे से गल चुका है। थोड़ा चम्मच से प्रेस करके थोड़ा सा ना दाल को, ताकि थोड़ा अच्छे से मैश हो जाए। ये पकड़ लेते पकड़ से, तो नीचे थोड़ा सा लग रहा है तो फिर स्लो कर दिया मैंने। यस खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, तो मोस्टली हमारा दाल तो एकदम गल चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा स्पेशल भुर्जी, तब इसमें ऐड कर देते, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सही से रहे। ये हो गया और चिपक गया हमारा भुर्जी, ऐड हो गया इसमें, थोड़ा मिला देते। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ट्राई करो, बहुत अच्छा हेल्दी है और झटपट रेडी हो जाती है। ये हमारा अंडा दाल रेडी हो चुका है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप लोग भी घर पर ट्राई करो और मज़े से खाओ और कमेंट में बताओ कैसा बना है। तो ये अभी इसे हम लोग ढक के 5 मिनट और पका लेते हैं ताकि इसके अंदर खुशबू अच्छे से आ जाए। ये अपने ढक दिया है और इसे स्लो फ्लेम में 5 मिनट पका लेते हैं। तो गाइस 5 से 10 मिनट तक का मैंने रख के ये हमारा फाइनल लुक हो गया है, तेल छोड़ दिया है। अभी इस पर मैं घर का भुना हुआ जीरा मसाला पीसा हुआ मैं ऐड करूँगा, इसमें ना अच्छा टेस्ट आता है तड़के में, तो मैं यहाँ पे तड़का नहीं लगाऊंगा, सिर्फ जीरा मसाला ऐड करूँगा। भुना हुआ जीरा मसाला बहुत मज़ा आता है खाने में दाल में डाल के। तो ये हमारा फाइनल लुक हो गया है, तो आप लोग भी घर पर ट्राई करो, रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इसी तरह से कुछ नया नया रेसिपी लाएंगे। अल्लाह हाफिज़।